दिन बाद जब तक किया जाए मौला जी से शेयर किया जाए मौला जी को तो कि मौला जी सबको बता रहा है सब के लिए सब के लिए आमीन जय नबी नबी और सॉर्टिंग सब बॉक्स का डाली वो सचन की बात कर रही बात को आमीन तमाम पे आए तमाम तमाम लोग आज की बात आप करने में जिक्र हम चुका है और सीन सलाम है तमाम सब के लिए जरा शुक्रिया दान करेंगे करम करने जा रहे करम में मुस्तकीन हो जाए अल्लाह की बारे में की बात की बात आमीन और कार्य आप शुक्र से और आदाब नाजरीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सौंदला उर्स शरीफ मनाया गया। हालांकि कोविड के चलते यहां पे एहतियात बरती गई और आम आवाम को यहां पे दाखिला ममनू था, लेकिन फिर भी चाहने वालों की यहां भीड़ देखी गई और तमाम ने जो खानीन हैं उसको एहतियात बरतते हुए सोशल डिस्टेंस का भी मेनटेन किया था। यहाँ मैं मदरसे ख़ुवतुल इस्लाम के अफरोज पाशा उर्फ अफू, जिन्हें अफू भाई के नाम से जाना जाते हैं, मैसूर में मीना बाज़ार के, वो मुसलसल पिछले कई सालों से 35 सालों से सोंदल की जो कार्रवाई है वो करते आ रहे हैं। चलिए उनसे बात करेंगे। यहाँ 13 आदमी का सोंदल था जी, जब से 35 साल से ख़ुवत इस्लाम के नाम से जी मैसूर से सोंदल चालू करे जी, आज को 35 साल जी। खाली शहीद का सोंदल नहीं करते जी, नवाब हैदर अली का भी कंटिन्यू कर रहे जी, और उनकी जो पैदाइश है जी पैदाइश भी जी बाकायदा 35 साल से कर ले कर रहे हैं। यानी योम विलादत के मौके पे भी आप कार्रवाई? हाँ, तीन तीन फंक्शन साल में होती हैं जी, शाही दरबार में जी, सब मैसूर से नाम से भी जाना जाता है, सब मैसूर से जी, पूरा मैसूर से होता है, किसी से एक पैसा चंदा नहीं। अच्छा, सब हमारे जेब के हमारी जाति मेहनत से जी, हमारी कमेटी की जानिब से कर ले कर रहे हैं। अबू भाई, ये लॉकडाउन के पहले जो आप मैसूर से सोंदल लाया करते थे जी जी, आज उसके मतलब वो कहीं ना कहीं रुकावट बन रही है, कैसा लग रहा है आपको, अफसोस हो रहा है? अब नहीं, ये कोरोना के इससे तो हमें भी चलना ना सिर झुका के, अफसोस क्या भी नहीं जी, बीमारी खतरनाक बीमारी है जी, उसके लिए तो दुआ करने हैं शहीद करने जी जी, तुम्हें बचा लियो हमारे भारत देश दुआ की वहाँ के जी जी, तमाम इंसानों के लिए आपने दुआ, तमाम पूरे भारत के वास्ते जी जी, ये बीमारी हटने के वास्ते जी, दुआ के वास्ते आए हैं। तो आज भी आप सोंदल लेकर आए थे? जी जरूर लेकर थे। और चादर भी चढ़ाया? चादर सोंदल जी, थोड़े मिठाई गिठाई। अच्छा, पका को ये करने साले साल करते हैं जी, अब वक्त नहीं है बिल्कुल, उसके वास्ते जी ये मिठाई सा काम ले रहे हैं बस। अच्छा, ये 35 का जो सिलसिला है जी, आइंदा भी आप जारी रखते हैं? आइंदा जिंदा रहे तक जरूर करते हैं जी, बाद हमारे बच्चे भी रेडी हैं बिल्कुल, ये दामन नहीं छोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तमाम रियासत अवाम और रियासत हिंदुस्तान के अवाम को बिलखसूस ये मुबारकबादी दी जाती है। 233वां सोंदल शरीफ अमल में आया है, जहां पर कोविड रहने के बावजूद भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से इसी वारम में तमाम मसाजिद और दरबारों की इजाज़त सरकार दी देने के बाद कोविड के नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए 20 या 25 लोग, जिसमें सोंदल की ना प्रोसेशन रहा इस बार ना ज़्यादा भीड़ रही, क्योंकि लोगों के अंदर इत्तला कम थी, इसलिए मुख्तसर से लोग जमा होकर कुछ कदीम शख्सियतें मैसूर के और हम हमारे ख़ानदान और कमेटी के अरकान। तारुफ करा दीजिए जी। मैं साहिबजादा सैयद मंसूर हूँ, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 7वें खानवादे से ताल्लुक़ रखता हूँ और नेशनल प्रेसिडेंट तहरीक खुदादाद भी हूँ।
और मेरा यहाँ पे विजिट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑफिशियल विजिट रहा खानदान का मैसूर फैमिली ऑफ स्टेट का, जिसमें मैं थैंक्स करता हूँ हमारे मिनिस्टर आनंद सिंह साहब को और रियासत कर्नाटका और तमाम वक्फ बोर्ड के और सीओ साहब को भी। जी पिछले ये लॉकडाउन की वजह से जो हालात हैं और पिछले उर्स में आपको क्या महसूस हो रहा है? लॉकडाउन की वजह से उर्स के ताल्लुक से जब बात की जाए तो बहुत फ़र्क हुआ है, क्योंकि आवाम हज़ारों की तादाद में आती थी शहीद आज़म को खुलूस पेश करने के लिए और संदल पेश करने, कम से कम 50 से ज़्यादा संदल शरीफें आया करती थी कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, यहाँ तक दिल्ली और लखनऊ से भी टीपू सुल्तान शहीद को खराज अखीरत पेश करने के लिए तमाम लोग आते थे। तो कोविड आने की वजह से बहुत सारा डिफरेंसेस फील हुआ और लोगों के अंदर भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला माली हालत सही कर दे और जो लोगों को तकलीफ़ात हैं वो तकलीफ़ात से दूर करें और जितने भी लोग मरहूम इंतकाल फरमा गए हैं मैसूर के हो या श्रीरंगपट्टन के हो या बेंगलोर के हो, अल्लाह ताला उनको तमाम दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। और नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान जिस तरीके से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का हमेशा कौल था 100 साल गिदड़ की ज़िंदगी से एक दिन का शेर का जीना बेहतर है, यहाँ पर हर लहू के कोनों पर टीपू सुल्तान और नवाब हैदर अली साहब का लहू लगा हुआ है। आज शहादत का दिन है, लोग आज के दिन ये तय करें कि आने वाले दिनों के अंदर हमें किस तरह से मुस्तकबिल अपने लीडरों को चुने, किस तरह से मुस्तकबिल टीपू सुल्तान शहीद के असल चाहने वालों को आगे लेकर आए और नौजवान अपने जज्बात को काबू में रखते हुए आने वाले दिनों के अंदर अपना मुस्तकबिल तैयार होने के लिए तैयार हो करके, मेरा एक छोटा सा अदना सा मैसेज है। आज बस एक उर्स था, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कोई भी आए, फातिहा खानी हुई, लेकिन यहाँ की कमेटी बहुत सारे इंतजाम कर सकते थे, कोविड के नाम तो रहने के बावजूद भी तमाम बारगाह के उर्स से संदलें हो रही है, गरीबों के लिए तकसीम हो सकते थे, वही पैसे बचत होकर गरीबों के लिए बहुत सारे सुविधाएँ यहाँ पर जो श्रीरंगपट्टन और गंजाम में कुछ लोग हैं उनके लिए व्यवस्था हो सकती, वो भी नहीं हो पाई कहीं। मुस्तकों की मदद की बात कर रहे हैं जी, बेशक, क्योंकि उर्स का यहाँ पे खर्चा गवर्नमेंट 20 लाख रुपए हर साल दिया करती है, इस बार आई नहीं पता नहीं, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इस बार के उर्स के खर्चा खराजात बचाते हुए लोग जो कोविड में इंतकाल हुए हैं, लोगों को जो राशन पानी के लिए घरों में लिए जो फुखलसी है और परेशानियां हैं, चाहते तो यहाँ से कर सकते थे, इदारा बहुत बड़ा है, यानी कि कर्नाटक नहीं हिंदुस्तान के अंदर का सबसे बड़ा अमीर इदारा कहता हूँ, जिसमें अंदर लाखों करोड़ों रुपये की जायदाद शहीद आज़म की आर्कियोलॉजिकल और वफ़ के अंदर दर्ज है, मुझे पता नहीं इसका मामला क्या है करके, इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से मैं सीओ साहब को और तमाम वक्फ बोर्ड के मेंबर्स को लेटर भी लिखूंगा, यहाँ तक इंशाल्लाह हो सके तो मैं सेंट्रल वफ़ काउंसिल और सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल को भी मैं इस लेटर को जारी कर आने वाले उर्स के अंदर सिर्फ उर्स ना हो, लोगों के अंदर यहाँ पे गरीबों की सहूलत हो, गरीबों को तोहफा दिया जाए, कम से कम टीपू सुल्तान शहीद के नाम से आज के दिन उर्स के अंदर जब टीपू सुल्तान एक एग्जाम्पल थे, कम से कम 25 शादियाँ हों और कम से कम बच्चों के कुछ गरीब बच्चों के हकीक़े हो और यहाँ तक सुन्नत इब्राहिम के इंतजाम, उर्स का एक 3 दिन का यहाँ पर कोर्स चले करके मेरा ये डिमांड भी रहेगा, इंशाल्लाह उसे मैं डिमांड को जारी भी करवाऊँगा, क्योंकि शहीद आज़म की मर्ज़ी है, शहीद आज़म की खास नज़रों करम से बायदा इंशाल्लाह हमारी तंजीम की तरफ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल असम के तौर पर किया जाए बल्कि मुस्तहक़ों को उनकी इमदाद की जाए और उनका यह मानना है कि सुल्तान के दरबार में जो हमेशा तमाम लोग एक मुंतज़िर होकर अपनी अपनी हाजत को आते हैं, तो इसी दरबार में यानी इसी कमेटी के ज़रिए तमाम ऐसा कुछ सिस्टम किया जाए कि हर साल इस मुबारक मौके पर मुस्तहक़ों को मुदो करते हुए उनकी इमदाद की जाए, ये इनकी मांग थी।